स्वागत है आपका हमारे इस एंड्रॉयड गेमिंग एंड ऐप चैनल बिटवॉइड पे। तो दोस्तों, सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रही है, बट मैं ये वीडियो भी बहुत मुश्किल से डाल पा रहा हूँ। जैसे आप लोगों को पता ही होगा, पेपर स्टार्ट होने वाले हैं स्कूलों में। अब मैं भी एक बच्चा ही हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ क्लास 10th का। मेरे भी पेपर आने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो भी बहुत मुश्किल से बना रहा हूँ। और एंड सॉरी फॉर एवरी प्रॉब्लम। मैं अपना चैनल बंद नहीं करने वाला, बट इट्स अ रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ बने रहिएगा बिटवॉइड के साथ। मैं आपको वीडियोस वापस डालना स्टार्ट करूँगा मेरे पेपर ख़त्म होने के बाद। अप्रोक्सीमेट 1 अप्रैल से मैं आपका फूल बनाऊँगा, मेरा मतलब अपनी वीडियो डालूँगा। तो पर वो सब छोड़िए, आते हैं हमारी आज की वीडियो। आज मैं कुछ खास फीचर्स बताने वाला हूँ एक खास ऐप के बारे में, जो हर एंड्रॉयड फ़ोन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ऐप है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। वो ऐप है हमारा प्यारा गूगल प्ले स्टोर। हर बच्चे की दुआ है प्ले स्टोर, सारे गेम्स यही आते हैं। तो मैं आप सबको छोटी मोटी खास चीज़ें बताने वाला हूँ गूगल प्ले स्टोर और प्ले सर्विसेज के बारे में। शुरू करते हैं अपडेटिंग गूगल प्ले स्टोर। अब गूगल प्ले स्टोर किसी और ऐप से तो आप अपडेट करोगे नहीं, वो इसी ऐप से अपडेट होगा। तो अगर आपको जाना आपका प्ले स्टोर अपडेटेड है या फिर पुराना वर्जन है, तो आप यहाँ सेटिंग्स पे जाइए इधर, और स्क्रॉल डाउन करके ये लिखा होगा प्ले स्टोर वर्जन, यहाँ क्लिक कीजिए। देखो मेरे में लिखा रहा है गूगल प्ले स्टोर इज़ अप टू डेट, मतलब मेरा प्ले स्टोर अपडेटेड है। अगर आपका प्ले स्टोर अपडेटेड नहीं होगा तो बैकग्राउंड में प्ले स्टोर का अपडेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आप अपना प्ले स्टोर अपडेट कर सकते हैं। सेकेंड, हमारे फ़ोन में होता है एक गूगल प्ले सर्विसेज, जिससे हमारे गेम्स में अकाउंट्स लिंक्ड होते हैं गूगल प्ले सर्विसेज से। एक चीज़ नोटिस करने की बात है, आप अगर गूगल प्ले पे सर्च करोगे गूगल प्ले सर्विसेज, तो वो कहीं नहीं आएगा, वो डाउनलोड करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। गूगल प्ले सर्विसेज कहीं नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप क्रोम अपने अपने गूगल ब्राउज़र में जाके वहाँ सर्च करोगे गूगल प्ले सर्विसेज, तो ये जो सबसे पहले इस पे क्लिक करोगे तो गूगल प्ले ही खुलेगा, और आपका गूगल प्ले सर्विसेज प्ले स्टोर में ही खुलेगा। पता नहीं ये क्यों होता है, लेकिन अगर आप प्ले स्टोर में डायरेक्ट सर्च करोगे गूगल प्ले सर्विसेज तो कुछ नहीं आने वाला, पर आप अगर क्रोम से अगर गूगल प्ले सर्विसेज इंस्टॉल करोगे तो वो प्ले स्टोर में ही खुलता है। यहाँ से अपना अब आप अपने गूगल प्ले सर्विसेज को इंस्टॉल या फिर अपडेट कर सकते हैं। सेकेंडली, प्ले स्टोर, हमारा प्ले स्टोर जो है, आप एक ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा, कभी कभार आप कोई ऐप ढूंढ आपको मिलता है जो आपके काम के लिए होता है, लेकिन आप सोचते हैं उसको बाद में डाउनलोड करेंगे, तो फिर आप जब अगली बार उसका आपको नाम याद नहीं आता, तो वो प्रिवेंट करने के लिए हम, अगर आप पहली बार कोई ऐप देखते हो आपको पसंद आता है और आप सोचते हो कि बाद में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो उस पर ऐड टू विश लिस्ट में कर दीजिए, जिससे आप वो एप्लीकेशन आपके विश लिस्ट में चला जाएगा। अब विश लिस्ट आपकी यहाँ आएगी, ये रहा, इसके अंदर आपका वो ऐप आ जाएगा जिसको आपने पहले देखा था और आप उसको डाउनलोड करने की सोचा था। अगली बारी है इंडी कॉर्नर। इंडी कॉर्नर आप गूगल जाइए, उस पर सर्च कीजिए इंडी कॉर्नर। इंडी कॉर्नर ये जो सबसे पहली लिंक है, इस पर क्लिक कीजिए, आपका प्ले स्टोर खुल जाएगा और इंडी कॉर्नर नाम की एक कुछ खुलेगा। इससे आपके सबसे लेटेस्ट ऐप्स और गेम्स आपको मिल जाएंगे। इंडी कॉर्नर से आप डायरेक्टली सबसे लेटेस्ट ऐप्स, पेड एंड फ्री एवरी ऐप, जितने भी तरह के ऐप्स हैं आप वो डाउनलोड कर सकते हैं इंडी कॉर्नर से। ये रहे आपके न्यू इंडी हाइलाइट्स, ये इंडी पिक्स और ये इंडी मास्टर पीसेस, लेटेस्ट और अपडेटेड ऐप्स जो मोस्ट रेटेड और फेमस हो। नेक्स्टली हमारे पास आता है गूगल प्ले स्टोर में एक बहुत ही अजीब चीज़। आप क्रोम पे जाइए, लिखिए प्ले
www.google.com, आप खोलिए गूगल प्ले, आपका यहाँ से प्ले स्टोर खुल गया। लेकिन अगर आप ऑफिशियल गूगल प्ले स्टोर खोलेंगे, जो ऑनलाइन प्ले स्टोर है play.google.com, यहाँ पे आप सर्च कीजिए और बिना कुछ टाइप कर आप सीधा सर्च बटन दबाइए, तो आपको जो रिजल्ट्स आएंगे वो यूनिकॉर्न के रिलेटेड होगी। ये एक ईस्टर है गूगल प्ले स्टोर से रिलेटेड। अगर आप कुछ भी टाइप ना करें, सर्च दबाते हैं, तो आपके जितने भी रिजल्ट्स होंगे वो सारे यूनिकॉर्न पे आ जाएंगे। यूनिकॉर्न, बारबी एंड कार्टून टाइप, मोस्टली यूनिकॉर्न। फाइनल द मोस्ट स्ट्रेंजेस्ट थिंग अबाउट गूगल प्ले स्टोर ये है, आप प्ले स्टोर खोलिए, आप सर्च कीजिए कोई भी एक सिंबल, लाइक मैं अगर हैश सर्च करता हूँ तो उसके लिए भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगी, चाहे कुछ भी हो लेकिन रिजल्ट्स आती है। आप कोई भी सिंबल ट्राई कीजिए उस। एक आखिरी और हाँ थोड़ी, ये भी एक आपके फ़ायदेमंद की एक फीचर है गूगल प्ले स्टोर की। तो आप किसी भी ऐप का, अगर आप बेटा सर्वर बनना चाहते हैं, बेटा यूज़र एक होता है कि जिससे आप एक ऐप के अपकमिंग फीचर्स को दूसरों से पहले यूज़ कर सकते हैं। तो आप बेटा यूज़र बनने के लिए लाइक आप मैसेंजर खोलिए। देखिए मैं मैसेंजर और ये आगे ब्रैकेट में लिखा है बेटा, क्योंकि मैं पहले से ही एक बेटा यूज़र हूँ। मैसेंजर खोलिए या फिर कोई भी एक ऐसे ऐप जैसे व्हाट्सएप हो, और लास्ट में जाइए लिखा है यहाँ पे लिखा हुआ यू आर बेटा टेस्टर। देखिए अगर हम व्हाट्सएप खोलते हैं, ये लास्ट में लिखा है बिकम अ बेटा टेस्टर, यहाँ पे आई एम इन दबा दीजिए ज्वाइन, इससे आप एक बेटा टेस्टर बन जाएंगे व्हाट्सएप के। यहाँ पे लिखा है बेटा साइन अप इन प्रोग्रेस, इट टेक्स अ फ्यू मिनट्स, थोड़ी देर बाद आपके व्हाट्सएप मैसेंजर के आगे भी लिखा आ जाएगा बेटा। सो धन्यवाद दोस्तों मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। भूलिएगा नहीं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब, आप सपोर्ट कीजिए। आई प्रॉमिस आई विल गिव यू, मैं आप सबको सब कुछ दूंगा, सब कुछ एंड्रॉयड से रिलेटेड, मेरा मतलब सब कुछ दूंगा, मेरा मतलब एंड्रॉयड फ़ोन से रिलेटेड, कहीं गलत सोच के बैठ जाओ। थैंक यू, और अप्रैल से मेरा चैनल रीस्टार्ट होगा एक नए फॉर्म के साथ, एंड देयर इज़ अ स्पेशल वीडियो वेटिंग फॉर यू ऑल। थैंक यू, बाय बाय।